हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम, जिसमें हम लोग सिर्फ अप्रैल के 10 इम्पॉर्टेंट डेज, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तरह से ये आपका टेस्ट सीरीज होगा, जिसमें मैं आपसे पूछूंगी पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चन, एंड उसके बाद मैं आपको उससे रिलेटेड जितना भी डिटेल होगा सभी का सभी यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी हो तो examtrends.net वेबसाइट से PDF को डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। पहला हमारा कि वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी थीम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। ठीक, ये बताइए कि पहली बार इसको कब मनाया गया। आई थिंक आपने सोच लिया होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये 1948 में मनाया गया पहली बार। सही सोच रहे हैं आप, लेकिन 1948 में WHO का गठन हुआ है। इसको पहली बार मनाया गया 1950 में, 7 अप्रैल 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं, उसका गठन हुआ था। इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके। ठीक, याद रखिएगा। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे या किसकी याद में मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, जो कि 10 अप्रैल को मनाया जाता है, होम्योपैथी डे है। ठीक है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, ये तो पता है कि 10 अप्रैल को, लेकिन ये बताइए कि किस लिए मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है। सोच लिया होगा आपने। देखिए, होम्योपैथी के संस्थापक थे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक। कौन थे? होम्योपैथी के संस्थापक थे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो कितने लोगों के 2 क्वेश्चन सही हुए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी आपके 8 क्वेश्चन और बचे हैं, और जो 10 out of 10 पाए वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की। तो इसकी शुरुआत किया है केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद। इन्होंने कहा है कि 9 से 10 अप्रैल को जो हम लोग क्या करेंगे, नई दिल्ली में जो डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है वहाँ पे विश्व होम्योपैथी दिवस का आयोजन करेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेशनल सेफ मदरहुड डे। अब नेशनल सेफ मदरहुड डे क्या है, देखिए आप जानते हैं कि डिलीवरी के टाइम सैनिटेशन नहीं होता, दैट्स व्हाई बहुत सी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। इस वजह से लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि इसकी थीम क्या है, जल्दी से बताइए इसकी थीम क्या है। इसकी थीम है मिडवाइव्स फॉर मदर्स। क्या है? मिडवाइव्स फॉर मदर इसकी थीम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, 14 अप्रैल को B.R. अंबेडकर को याद किया गया, इनके दिवस के रूप में मनाया गया। आपको बताना है कि यह इनका कौन सा दिवस था, कौन से नंबर का जयंती है, इस दिन इनका जन्म हुआ था तो ये कौन से नंबर की जयंती है, जिसे हम लोग समानता दिवस के रूप में मनाते हैं, आपको बताना है। ठीक, तो जल्दी से बताइए इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा। इसमें देखिए हमारा सही आंसर होगा कि ये B.R. अंबेडकर की 128वीं जयंती है। B.R. अंबेडकर की कौन सी जयंती है? 128वीं जयंती। आपको पता है कि भारतीय संविधान का पितामह किसे कहा जाता है? B.R. अंबेडकर को। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। 17 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में। 17 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में। इसका थीम क्या है और इसको किस और नाम से जाना जाता है, हीमोफीलिया जो बीमारी है एक, इसको किस और नाम से जाना जाता है। इन 2 क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा, देखिए 17 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में, और इसको रॉयल ब्रिटिश डिजीज के नाम से जाना जाता है। हीमोफीलिया को किस नाम से जाना जाता है? रॉयल ब्रिटिश डिजीज नाम से। अगर हम लोग बात करें हीमोफीलिया की, तो यह एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रक्रिया होती है वो बाधित हो जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति को हीमोफीलिया है तो उसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो जाएगी। मैक्सिमम यह बीमारी पुरुषों में होती है, लेकिन इस बीमारी की वाहक कौन होती हैं? महिलाएँ होती हैं।
ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसको रॉयल डिजीज क्यों कहा जाता है जरा कोई मुझे बताएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको पता है। देखिए, इसको ब्रिटिश रॉयल डिजीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि हीमोफीलिया के बारे में उस वक्त पता चला था जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया उनके वंशज में एक के बाद एक लोग इस बीमारी के चपेट में आने लगे। इस वजह से इसे क्या कहा जाने लगा, शाही बीमारी कहने लगे इसको, ठीक। अगला हमारा कि वर्ल्ड हेरिटेज डे, जो कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे हमारा कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। अच्छा, ये बताइए पहले कि कितने इस समय कितने हमारे हेरिटेज हैं। अगर हम लोग विश्व विरासत स्थल की बात करें तो भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, भारत में कुल 37 विश्व विरासत स्थल हैं। कितने हैं, 37 विश्व विरासत स्थल हैं, और 18 अप्रैल को पूरी दुनिया विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाती है। 1982 से इसे मनाया जाना शुरू किया गया, जिसमें क्या होता है, आज के दिन अगर 18 अप्रैल को आप कहीं घूमने जाएंगे तो वहाँ पर टिकट नहीं लिए जाते हैं। जैसे अभी ताजमहल देखने चले जाओ, वहाँ टिकट लगता है, जंतर मंतर चले जाओ, अजंता एलोरा की गुफाएँ चले जाओ, इन सब जगह टिकट नहीं लगेगा अगर आप 18 अप्रैल को जा रहे हैं। इसके साथ आप ये बताइए, अभी हाल ही में एक विश्व विरासत स्थल जो कि जल के आग लगने के कारण समाप्त हो गया, वो कहाँ पे है, तो उसका नाम है नोट्रे डेम कैथेड्रल, ठीक है। यह गौथिक कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना था जो कि पेरिस में था। अभी यह यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में था और यह जल के राख हो गया, क्यों, क्योंकि वहाँ पर आग लग गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड अर्थ डे। ये बताइए कि विश्व पृथ्वी दिवस जो कि मनाया जाता है 22 अप्रैल को, इसकी थीम क्या है इस बार, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ, इसकी थीम है प्रोटेक्ट आवर स्पेसीज। क्या है, प्रोटेक्ट आवर स्पेसीज। इसकी शुरुआत की गई थी 1970 में, 1970 से इसकी शुरुआत की गई थी। हुआ क्या है, इसको शुरू किया गया था कि जो भी लोग पर्यावरण और पृथ्वी के प्रति जागरूक नहीं हैं, अगर हम इसको दिवस के रूप में मनाएंगे, इसका एक थीम रखेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, लोग जागरूक होंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, कचरा कम से कम फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, कम बिजली का इस्तेमाल करें, तो यही सब है पृथ्वी को सेव करने के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, क्या है, प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज, यानी जीवों की नस्लों के साथ साथ पेड़ पौधों की भी रक्षा करें। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड मलेरिया डे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं आपको बात करूं तो जनवरी से लेकर के अप्रैल तक में मुझे दो दिवस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगे हैं। पहला तो हमारा जो प्रवासी भारतीय दिवस है और दूसरा हमारा वर्ल्ड मलेरिया डे है। रीज़न क्या है कि इस थोड़ा सा टेक्निकल हो गए हैं। हुआ क्या था कि जनवरी में हम लोग जानते हैं कि 9 जनवरी को मनाया जाता है विश्व प्रवासी दिवस के रूप में, लेकिन अब उसका सम्मेलन आयोजित किया गया था 21 से 23 जनवरी के बीच में, जिसमें मॉरिशस के पीएम प्रवीण जगन्नाथ को बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट। तो इसी वजह से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज एक सम्मेलन कहाँ हुआ है तो वाराणसी में हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये समझेंगे कि 9 जनवरी को, जबकि कब हुआ है, 21 से 23 जनवरी। अब वर्ल्ड मलेरिया डे क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीन लॉन्च कर दी गई है मलेरिया की। पहली बार ऐसा हुआ है कि मलेरिया की वैक्सीन लॉन्च हुई है, इसके ऊपर मैंने आपको डिटेल में वीडियो भी पढ़ाया है। तो आपको ये बताना है पहला कि मलेरिया दिवस की थीम क्या है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कि मलेरिया दिवस की थीम क्या है। तो आई थिंक आप लोगों ने सोच लिया होगा। देखिए, मलेरिया डे की थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। क्या है, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। इसके अलावा 2030 तक मलेरिया को भारत से पूर्णतया ख़त्म करने के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको इसके बारे में बताना है। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, मेरा अभियान लॉन्च किया गया है, इसका फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हमारा इसका फुल फॉर्म होगा मलेरिया एलिमिनेशन, ठीक है, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस। ये देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस। इसके तहत इंडिया क्या करेगा कि 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त करेगा। किसने इसको लॉन्च किया, तो द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने इसको लॉन्च किया है, ठीक। याद रखिएगा एक चीज़ और,
इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ, वर्ल्ड मलेरिया डे, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, वैक्सीन लॉन्च की गई है अफ्रीका के मलावी में, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं मलेरिया के सबसे ज़्यादा मामले कहाँ पे पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं हमारा अफ्रीका में पाए जाते हैं, वहाँ पर बहुत से बच्चों की मौत हो जाती है मलेरिया की वजह से, इस वजह से वैक्सीन को वहाँ पर लॉन्च किया गया। इसका नाम है RTS-S, ठीक है। और एक एक और इम्पॉर्टेंट है कि इसके बाद इसको केन्या और घाना में भी लॉन्च किया जाएगा, ये दोनों अफ्रीकी देश हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है 26 अप्रैल को। आपको ये बताना है कि इसकी थीम क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसकी थीम है रीच फॉर गोल्ड IP एंड स्पोर्ट्स। क्या है इसका? रीच फॉर गोल्ड IP एंड स्पोर्ट्स, ये है इसकी थीम। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कोई भी कॉपीराइटेड डिज़ाइनिंग हो गए, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, अभी भी इंडिया क्या इसमें बहुत पीछे है, लोग इन चीज़ों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन कोई भी एक ठोस कानून नहीं बना कि अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो उससे कैसे निपटा जाए, ठीक। तो इसको एक दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाए, अगर कोई गाना कोई लिखता है और कोई इसको कॉपी कर लेता है तो इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। इस वजह से लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। याद रखिएगा कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आई होप कि अगर आप एग्जाम ट्रेंड्स के रेगुलर वॉचर होंगे तो आप 10 out of 10 गेन किए होंगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, ठीक। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनके बारे में, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने जो स्कोर है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।